खरगोन जिले के बड़वा नगर से 2 किलोमीटर दूर इंदौर खंडवा रोड स्थित काटपुट फाटे पर शनिवार को हुई वाहन दुर्घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के ग्राम कदवालिया पहुंचे। विधायक बिरला ने मृतक सुलोचना बाई के परिवार से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और सांत्वना दी। ग्रामीणों ने विधायक बिरला को बताया कि काटपुट फाटे पर बड़वाह नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बिना मास्क वाले बाइक चालानों से चालान वसूली की जा रही है, वहीं दुर्घटना का कारण भी बनी। चालान वसूली के डर के कारण बाइक तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर में जा घुसी और इस दुर्घटना में सुलोचना की मौत हो गई। जब विधायक ने नगर पालिका के कर्मचारियों के प्रति ग्रामीणों का रोष देखा तो उन्हें लेकर बड़वाह पुलिस थाने पर आ गए और यहां पर SDOP मानसिंह ठाकुर व SDM प्रवीण फुलपगारे से मुलाकात कर नगर पालिका के कर्मचारियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। विधायक बिरला ने मृतका के परिवार को संबल योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता भी अतिशीघ्र दिलाने की चर्चा भी SDM से की है। बड़वाह से संवाददाता की रिपोर्ट। हमारे कदवालिया की बहन जो गर्भवती थी, जिसके पेट में 8 माह का बच्चा वो गर्भधारण किए हुए थी, अस्पताल भी आ रही थी और घर की सामग्री खरीदने भी आ रही थी। जैसे ही वो लोग काटकुट फाटे पर आए, नगर पालिका के 5 लोग जिनका नेतृत्व नगर पालिका कर्मचारी जायसवाल, अनिल जायसवाल, जो कि उनके ही परिवार के साथी जो नगर पालिका में है, क्या नाम है, धर्मेंद्र, कैलाश जायसवाल, उनके कहने पर वहाँ पर वसूली करने गए हुए थे। और जब वहाँ से बाइक गुजरने को हुई तो उन्होंने डंडा दिखाकर उस बाइक को रोकने की कोशिश की, जिसके ऊपर हमारी बहन और एक उनके परिवार का भाई बैठा हुआ था। और जैसे ही बाइक आगे आई तो जायसवाल के आदमियों ने, जो नगर पालिका का अपने आप को कर्मचारी बताते हैं, उन्होंने डंडे से उसके पीछे भागकर बाइक को रोकने की कोशिश की। हड़बड़ाहट में, चूंकि वहाँ पर मोड़ था, हड़बड़ाहट में महिला ट्रक के नीचे आ गई और उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो भी गर्भपात होने के कारण रोड पर आ गया। ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली थी। उसी के कार्रवाई करने के लिए हम लोग आज यहाँ थाने पर आए हैं। कल कोई कार्रवाई नहीं हुई, वही बात हमने SDO साहब के संज्ञान में डाली, वही SDM साहब को बताई है। आला अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हमारी दलित बहन थी, एक गरीब परिवार की बहन थी, उसको न्याय मिले इसके लिए हम चक्का जाम भी कर देंगे, रोड भी रोकेंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे। और मुआवजे के नाम पर अभी संबल की जो योजना चल रही उससे वो अभी SDM साहब से बात हुई, 4 लाख बता रहे हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा कि आप बहन बेटियों की बहुत बातें करते हैं, तो एक बहन जो हमारे यहाँ शासन के कर्मचारी नुमाइंदों के कारण मौत के ग्रास में चली गई, उसको आप क्या पैसा दे रहे हैं, कैसे न्याय करेंगे आप बताएं। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिवराज सिंह जी से बात की जाएगी। ये जो कल 31 तारीख को काटकुट फाटे पर एक विभत्स घटना हुई है, हमारे गांव की एक गर्भवती महिला जो कंटेनर की चपेट में आई है, उसमें मुख्यतः लापरवाही नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जो अवैध वसूली की जाती मास्क के नाम पर, उसकी वजह से घटना जैसे आज हमारे संज्ञान में आए। तो आज हमने आकर के थाना प्रभारी महोदय को, माननीय SDM साहब को और माननीय विधायक महोदय सबको अवगत करवाया और एक कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है कि नगर पालिका द्वारा जो वहाँ पर बाउंसर बिठाए जाकर के क्षेत्रवासियों को रोज़ मास्क के नाम पर परेशान किया जाता है और रोज़ ज़बरदस्ती चालानी कार्रवाई की जाती है। जिन गरीबों के पास पैसा नहीं होता उनसे कुछ भी तरीके से अनाज बेचने तक की घटना भी हमारे सामने आई है और बेवजह लोगों को मारा पीटा जाता है, गाड़ियों को रोका जाता है, उसकी वजह से अनियंत्रित होकर के वहाँ से लड़के निकलते हैं, मतलब जो भी गाड़ी चालक तेज गति से निकलने की वजह से दुर्घटनाएँ हो रही। तो कल जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना पूरे क्षेत्र को हिलाने वाली रही है, इसमें मुख्यतः नगर पालिका की लापरवाही सामने आ रही है। उनके माध्यम से हमने वही मांग की है कि नपा द्वारा जो कर्मचारी को भेजा जा रहा है और अवैध वसूली की जा रही है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिनकी वजह से ये। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।